कछु नहीं बस ऊंची नीची जात को फर्क बताओ तो। अच्छा तो है बेचारे बहुत अच्छे हैं बोलो। अरे यार ढका लगाओ, नीची जाति को होकर ढका लगा रहा। तुम तो कितने भी अलग हैं, अपन से नीची जात के हैं, उनको खून तो वाला होना चाहिए। तुम्हें पता नहीं है पंडित के घर के नाम से जा रहा है और चप्पल पहन के जा रहा है। गाँव में रहना है तो चप्पल उतार के जाओ ऐसे। हाँ पंडित जी गलती हो गई, आज के बाद गलती मत करियो कब। हाँ पंडित जी माफ कर दो। अरे मोरो ना जल आप अभी कर दो। तेरी सजा जा जता भी है ना, तू झाड़ू लगा चाहिए पीछे से। तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकत, हर आदमी आजाद है, हर आदमी अधिकार है सरकार में। तो एक काम करो सरकार के पास ही चले जाओ। अगर तुम्हें जगह में रहना है तो हमारी सुनने पड़ेगी और हमारी चलते थे और हमारा गांव है। जो झाड़ू तो लगाना ही पड़ेगी, अगर नहीं लगे हो तो जगह से निकल जाओ और तुम्हारी पूरी जायदाद ठाकुर साहब के नाम हो जाए। आज में पहला दिन है स्कूल में जाकर देखा कैसी क्या पढ़ाई होती है। नमस्ते सर। तुम आइयो हमारे नए सर। हम आइये तुम्हारे सर, जो काम आने वाले तीन आगे बैठे चार पीछे बैठे, सब लोग साथ में बैठो ना। चल स्कूल पढ़ाई कर, चल चल सीधो और भाग मत जाइए सीधो। लोग साथ में बैठो ना। हम नहीं बैठते साथ में। कहीं नहीं बैठा तुम्हारे साथ में। हमारे ऊंची जात के हैं, वे नीची जात के हैं। जैसे ही हमारे संग नहीं बैठे। ऊंची नीची जात कछु नहीं होत बेटा, सब साथ में बैठो। कहाँ कहीं मार दो? कछु नहीं बस ऊंची नीची जात को फर्क बताओ तो। अच्छा तो है बेचारे बहुत अच्छे हैं बोलो। आई आई बता रहा तुम्हें ऊंची जात का फर्क। छोड़ दो भाई साहब। निकल जावे जाए तो हाथ तोड़ नहीं तो घोड़े तोड़ दे, जो हवा वहाँ है हमारी जिम्मेदारी चलते है। बहुत खराब है। अरे पैसा हो गया ना पा रहे मालिक, फसल नहीं निकली। हम क्या कर रहे यार, तुमने सही तारीख की कही थी यार, फसल नहीं बचाने का पैसा दे मालिक समझो। अरे यार ढका लगाओ, नीची जाति को होकर ढका लगा रहा। अरे मालिक गलती हो गई। चुपचाप पैसा दे दी तेरी जमीन बेड़ा जाओ। हाँ मालिक दे दी। हाँ दे दी हो। मालिक राम 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 राजो। अब अच्छे रही थे ना, सात पीढ़ी थे हमारी पुश्ते लम्बरदारी के साथ आ रही है। आज तक हमारे सामने कोई बराबरी से नहीं बैठो, जो ही नियम कुरान में चला तो आओ है, चल रहा हो चले गो। अरे मालिक गलती हो गई बात है। चलो ठीक है आइंदा ख्याल रखियो। का काम है बताओ। मालक पैसा जाने थी। अच्छा पैसा जाने, कितने जाने बताओ, हम जिंदा है बेटा कितने पैसे जाएंगे। अरे मालिक ज्यादा नहीं जाना, तुम्हारे चरण की धूल बराबर जाने, बस 25,000 चाहिए। पैसा तो मिल जाए, हालांकि तुम्हें हम कानून बताओ है कोरे कागज में उन्हें लगाना पड़ता। हाँ हाँ मालिक लगा रहे, तुम क्यों तो हम जितने चाहे उनका लगा दे। ठीक है शाम के बाद घर में जाइयो। चलो ठीक है चले भज्जन चलो। प्रणाम मालिक। ठीक है मिलता जो का भेदभाव है ये तो? तुम भी वही जाति के, हम भी वही जाति के,
तुम्हें ऊपर बैठा रहो, हमें नीचे बैठा रहो, ये सुखाए इज्जत हमें नहीं, हमें पैसों में मिल रही है। अरे तुमसे कही थी बच्चे, तुम पे पैसा आया मैं उधार दे दू, अब लम्बरदार मांगा फिर रहे अपन। तुम्हें पता ही यार स्थिति बहुत खराब चल रही है। हाँ मानो भाई समझ में नहीं आई तुम्हारी स्थिति खराब चल रही है, तो लग रहा है तुम पे पैसा है वो। देख रहे कैसे व्यवहार कर रहा हो, ऐसे दिख रहा तो जैसे मारे व्यवहार हुए हमें। अब क्या कर सकते, चलो अब जब गाँव में अब जन्म ले लो तो यही गाँव में अपनी जिंदगी। और तुम्हें पता ही है जाति बहुत भेदभाव चल रहा है आजकल, बहुत चल रहा है भाई भाई की वजह से हो रहा है ना सब। चलो अभी तो घर चले अपन। राम राम मालिक आ रहे राजो, अरे ऊपर आ जाओ, अरे चटाई पे ही बैठ जाओ चटाई पे। भैया चाय लेके आओ। और फसल वसल कैसे क्या लग रही? बस मालिक तुम्हारी कृपा है यार, खूब अच्छी फसल रही है। और तुमने क्या बोलो? हमने चना बोई थे मालिक, अच्छी दिख रही है भगवान की कृपा से। भगवान का मालिक की कृपा है पूरी, मालिक की कृपा। हाँ मालिक कृपा है। बाकी पैसे दे रहे, ये 5,000 है एडवांस। कहा विश्वास नहीं है, कहा गिन रहे हो? नहीं नहीं मालिक विश्वास है, ये विश्वास पे तो पैसे ले हुए आए तुमसे। तो फिर ले आओ अंगूठा लगाओ। ले मालिक लगा दो। ठीक है ले आओ जी, 20,000 पकड़ो। हो गए 25,000? हाँ मालिक हो गए। अब लौटा हो कब जावर बता दो। बस डाक लग जाए फसल की फिर लौटा दे हम। हाँ बात के पक्के हैं? नहीं हम भी पक्के हैं मालिक, भले नीचे जाते मानो पैसे लौटा दे, एकदम खरे हैं हम तो। हाँ काय की जमीन बैठ लेता पैसा नहीं लौटाओगे तो। तुम्हें पता नहीं है पंडित के घर के नाश जा रहा है और चप्पल पहन के जा रहा है। एक तो नेची जात, हम अलग वो नहीं चाह रहे। गांव में रहना है तो चप्पल उतार के जाओ। तो ऐसे
हाँ पंडित जी गलती हो गई। गलती आज के बाद गलती मत करियो कबाऊ। हाँ हाँ पंडित जी माफ कर दो। अरे बच्चा बहुत प्यास लगी आई। चलो पानी पी लो। तुम्हारा है मैंने 10 बार समझाई है, खास कर तू है। बे नहीं समझे पंडित जी, नीच जाति के हैं। आज नहीं हुज्जे सहन, आज तुम पर दो गलती है भाई। आज तो चार आदमी जोड़े ही लुआ जाओ। चल रे सुनाओ का बात है। इन दोइयों ने दो गलती करी हैं। अच्छा, पहली गलती इनकी जा है कि हमारे घर के सामने से चप्पल पैर के निकली है। देखो अब अभी पैर आई है। उतारो रे। महाराज इनकी दूसरी गलती बताओ, इनकी दूसरी गलती क्या है? दूसरी गलती इनकी जा है कि हमारे पानी भरवे से पहले इनना पानी पी लाओ। इनकी इतनी औकात? अरे महाराज आ नहीं पाए थे उनके, पहले हम पानी पी रहे थे। ज्यादा मत बोलो, हिसाब किताब से लियो तनक। तुम एक तो नेची जात होकर चप्पल पहनने कर रहे हो। ऊपर से नल में मोड़ा का पानी पी रहे थे। इनने गलती करी है तो सजा भी मिलेगी। हमें भी सजा मिलेगी ठाकुर साहब। नहीं नहीं तुम्हें नहीं दिया सजा, चाहे दे तुम्हारे साथ में आ जाओ। हमें काहे सजा मिलेगी, गलती तो जाने भी करी है। तुम्हारे नहीं मिलेगी सजा, तुम्हें मिलेगी। अच्छा हमारे हम गरीब है, सब सजा हमें मिलेंगी। वो अमीर है तो भाई एक ही सजा ना मिलेगी, भले ही नेची जात है वो। जाओ जवान लड़ा रहा हो, चाहे तना कर रही सजा दी हो, जाए तो मैं देख रहा हूँ। नेची जात है तुम्हारे, तना कोकास से रेऊ करे, मूड पे चढ़वे की कोशिश मत करो। जा बात सही गई महाराज, तुमने तेरी सजा जा जता दी है ना, तू झाड़ू लगा चाहिए पीछे से। आजकल ऐसो कछु कानून नहीं है लम्बरदार, तुम अपनी मनमान नहीं कर सकत। हर आदमी आ जाते, हर आदमी अधिकार दे सरकार में। तो एक काम करो, सरकार के पास ही चले जाओ। अगर तुम्हें जगह में रहना है तो हमारी सुनने पड़ेगी, और हमारी चलते थे और हमारा गांव है। झाड़ू तो लगाना ही पड़ेगी, अगर नहीं लगे हो तो जगह से निकल जाओ, और तुम्हारी पूरी जायदाद ठाकुर साहब के नाम हो जाए। ठीक है ठाकुर साहब, जैसे तुम्हारा आदेश। चप्पल उठाओ निकलो। और कल से झाड़ू लगा लगी हो बिल्कुल। कहा मोड़ा है? सर में लग गई दाऊ। अरे क्या तो लग गई मोड़ा है? अब पता ही ट्राली पे से गिर गया हम तो। कितने आया मैं? अस्पताल के भीतर है, डॉक्टर से बात कर लो, हम तो चले घर है। ठीक है हम बात कर ले रहे, तुम जाओ। आओ कहा हुआ ठाकुर साहब? अब तो भगवान ही भरोसे हैं, मोड़ा की कंडीशन बहुत खराब है। मोड़ा के मूड में चोट लग गई, डॉक्टर कह रहा खून लेके आओ। ले आओ खून? खून की का कमी है की? अरे खून की कमी तो नहीं है, पर हमारे मोड़ा का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, जो नहीं मिले बाल दान। नेगेटिव तो अपन दोनों को है वो। हाँ। इन दोनों में से एक को कोई खून ले लो। हट, नस्ल खराब नहीं करना हमें। अरे जब मोड़ा ही ना बचेगा तो फिर जे नस्ल को का कर लियो, और एक लियो तो मोड़ा है। क्या कह रहे सोचे पंडित का, हम जा नीच जाती हो खून हम हमारे मोड़ा में डरवाने का हो जैसो बास है। अरे खून में मिलावट थोड़ी करवाने हमें। नीच जाति की मत क्यों तुम, राम जी की नैया भी एक नीच जाति के आदमी ने पार लगाई थी। जब तुम कह रहे हो, जो तुम्हारे सामने चप्पल पहन के नगर गाओ और नले छीला उसको तुमने पंचायत लगवा दी। अच्छा पंचायत की बात हो रही, अगर हमने बाकी हाथ को पानी पी लो फिर नरवाना फिर हम खून।
तुम खून डरवाओ, हम पानी पी रहे और चप्पल पैर के भी न करने उन्हें। पंडित धर्म भ्रष्ट हो जाओ तुम आओ। इंसानियत से बड़ो धर्म कछु नहीं हुए। आज जोन देश की राष्ट्रपति हैं, पतो है वे कौन वर्ग की हैं? हाओ पतो है, निम्न वर्ग की हैं। फिर भी वे देश चला रही काय काय की वन में काबिलियत है। देश को संविधान भी बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखो तो बेबी निम्न वर्ग के हते। हमें नहीं डरवाना खून। मोड़ा बचाना है तो खून डरवा लो, नहीं मोड़ा तुम आओ है, हम आओ कछु नहीं जा रहा हूँ। डरवा दें फिर खून। बताओ डलवा दें। माले का कह रहा है डरवा दो खून। तुम एक काम करो, तुम दे दो खून। लेकिन हम नहीं दे पे। काय? हमें शुगर की बीमारी है। मोड़ा अगर हमें खून दे दो तो 30 साल जी पाए ज्यादा। तुम तो बाकायदा जी रहे। हमरी तो ऐसी है, हमारा तो इलाज चल रहा है। तो जाको डलवा लो ना। हट, बा को नहीं डरवा रहा हम। अच्छा वो गरीब है गो, तुम बा को खून नहीं डरवा रहे? नहीं बा बात नहीं है। अरे भाई बात है कि तुम खून डरवा लो जल्दी। डरवा दें खून। देखो डलवा लो ना तो मोड़ा चलो जाए। जब तुम हमारा खून डरवा तैयार हो बा खून का देखा तुम। चलो डरवा दो। बन जा रही तुमने जा मोड़ा है खून दे दो बस तो नहीं। चलो घरे जो ना तो सुनूंगा। पिताजी एक बात पूछे। हाँ बेटा पूछो। जो ने खून दा तो बात खून को कलर का है तो जो सबको खून देता है उसे उनको खून है तो तुम तो कितने भी अलग है अपन से नीची जात की है उनको खून तो अलग होना चाहिए। बेटा जो तुम क्या चाह रहा है वो हम समझ गए। भैया बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, जात पात का जो नहीं हूँ मैं। आया ले भाई अभी पानी। हाँ पंडित जी समझ गए हम। हाँ जाति पाति में कुछ नहीं रखो, सबको खून कला देखा ही है। हाँ बेटा तुमने आज हमारे यहाँ से फोन में तो भैया और बन्ना कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक जरूर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हालांकि संदेश सब तक पहुंच चुका है कि सबके खून का कलर एक ही है, जात पात कुछ नहीं। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फैला दो।